Hey guys, कैसे हो आप लोग। आज मैं करने वाला हूँ तीन सेम प्राइस सेगमेंट वाले स्मार्टफोन का फुल बैटरी एंड चार्जिंग टेस्ट। तीनों स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity प्रोसेसर मिल जाएगा, तीनों स्मार्टफोन में बैटरी कैपेसिटी सेम है एंड चार्जिंग स्पीड भी सेम मिलेगा। ऐसे वीडियोस को शूट करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगता है, तो अगर आपको वीडियो किसी भी एंगल से हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। इस वीडियो में आपको थोड़ा सा शॉक लग सकता है, मैं इस वीडियो को शूट करने के बाद सोच रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं या ना करूं, फिर सोचा इतना टाइम दे दिया है, थोड़ा एफर्ट भी लग गया है और इन्फॉर्मेशन भी आप लोग तक पहुंचना चाहिए, तो वीडियो शेयर कर रहा हूं। अपने पास है तीन स्मार्टफोन, Redmi Note 12 Pro 5G, Realme 10 Pro Plus 5G एंड Redmi K50i 5G। बैटरी कैपेसिटी तीनों स्मार्टफोन में लगभग सेम है, 5000 mAh एंड तीनों स्मार्टफोन में आपको 67W का फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा। गाइस, Note 12 Pro 5G एंड Realme 10 Pro Plus 5G दोनों स्मार्टफोन में 120Hz AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा एंड Redmi K50i में 144Hz के साथ LCD डिस्प्ले। एंड Redmi Note 12 Pro 5G एंड Realme 10 Pro Plus 5G में Dimensity 1080 5G प्रोसेसर मिल जाएगा और Redmi K50i में Dimensity 80-100। दोनों Redmi में Android 12 बेस्ड MIUI 13 मिल जाएगा और Realme में Android 13 बेस्ड Realme MIUI 4.0। ओके, तो बैटरी तीनों का फुल है। सबसे पहले हम 1080p 60fps पे तीनों स्मार्टफोन में एक घंटे के लिए वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, बट उससे पहले तीनों स्मार्टफोन का बॉडी टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। Note 12 Pro 5G 28 डिग्री मोरलेस एंड Realme 10 Pro Plus 5G भी सेम दिख रहा है, 28-29 डिग्री के आसपास एंड Redmi K50i भी मोरलेस सेम है, 28 डिग्री। तीनों स्मार्टफोन से आप 4K 30fps पे वीडियो शूट कर सकते हो और 1080p के साथ 60fps मिल जाएगा। तो अभी हम 1080p 60fps पे तीनों स्मार्टफोन में वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं। मेरे लास्ट बैटरी ड्रेन टेस्ट वीडियो में मैंने Realme 10 Pro Plus और Redmi K50i को यूज़ किया था और उस वीडियो में मैंने 1080p 30fps पे वीडियो शूट किया था। आज 60fps पे वीडियो शूट करने वाला हूँ। एक घंटा होने वाला है, फिर से एक बार टेम्परेचर नोट कर लिया जाए। Redmi Note 12 Pro 5G 42 डिग्री के आसपास चला गया है एंड Realme 10 Pro Plus 46 डिग्री। आप लोगों को बता दूं, BGMI में इतना गर्म नहीं होता जितना गर्म कैमरा यूज करने पे हो रहा है अभी इस वेदर में। एक घंटे बाद Redmi Note 12 Pro 5G में 15% बैटरी ड्रॉप है, ठीक है चलेगा। और Realme 10 Pro Plus देख सकते हो 25% बैटरी ड्रॉप हो चुका है एक घंटा वीडियो रिकॉर्डिंग में एंड Redmi K50i 81 पे दिख रहा है 19% बैटरी ड्रॉप हुआ है। गाइस, तीनों स्मार्टफोन का वॉल्यूम एंड ब्राइटनेस 50% पे रहेगा एंड अब हम दो घंटे के लिए इंस्टाग्राम पे रील्स देखेंगे। तो गाइस, इंस्टाग्राम का दो घंटा कंप्लीट, टोटल हो गए तीन घंटे। Redmi Note 12 Pro 5G 85 पे था, 66 पे दिख रहा है 19% बैटरी ड्रॉप हुआ है। Realme 10 Pro Plus 75 पे था, 59 पे आ गया, 16% बैटरी ड्रॉप हुआ है। Redmi K50i 81 पे था, 65 पे दिख रहा है, अगेन 16% बैटरी ड्रॉप हुआ। अब गाइस, एक घंटे के लिए YouTube Shorts जो Instagram रील से बैटरी कम यूज करता है। गाइस, YouTube Shorts का एक घंटा कंप्लीट होने के बाद टोटल हो जाएगा चार घंटे और उसके बाद बच जाएगा रात के 12:30। उसके बाद हम तीनों स्मार्टफोन का ओवरनाइट बैटरी ड्रेन चेक करेंगे, कितना बैटरी ड्रॉप होता है रात भर में। गाइस, आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इन तीनों में से एक स्मार्टफोन मैं यूज कर रहा था रात को सोने से पहले, नाम अभी नहीं बताऊंगा, 51-52% के आसपास था बैटरी, लेकिन जब सुबह उठा 7 घंटे के बाद तो बैटरी बच गया 37-38 डिग्री के आसपास। मतलब रात भर में 7-8 घंटों में 14-15% बैटरी ड्रॉप हो गया। शॉर्ट्स के बाद हम फिर से तीनों स्मार्टफोन का स्टैंड बाय मोड पे, यानी रात भर में कितना बैटरी ड्रॉप होता है फिर से हम चेक करेंगे। तो शॉर्ट्स का एक घंटा कंप्लीट हो गया, टोटल हो गए 4 घंटे एंड Redmi Note 12 Pro 5G में 7% बैटरी ड्रॉप हुआ, Realme 10 Pro Plus में भी 7% बैटरी ड्रॉप हुआ और Redmi K50i में 6। तो अभी 12:20 हो रहा है, सुबह हम मिलेंगे 8:30-9 बजे के आसपास, देखते हैं रात भर में 8-9 घंटों में कितना बैटरी ड्रॉप होता है। गुड मॉर्निंग, दिल धक धक कर रहा है, सस्पेंस बना है, देखते हैं। Redmi Note 12 Pro 5G ओनली 1% बैटरी ड्रॉप हुआ है एंड Realme 10 Pro Plus 52 पे था, 34 पे दिख रहा है, 18% बैटरी ड्रॉप हुआ है रात भर में। जब फर्स्ट टाइम मैंने ये नोटिस किया था ना, मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझसे गड़बड़ हुआ है, 41 के आसपास रहा होगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा, लेकिन अब जो है ना ये प्रॉब्लम मुझे रियल लग रहा है। एंड Redmi K50i की अगर बात करूँ तो 54 पे दिखा, यानी 5% बैटरी ड्रॉप हुआ है। नाउ BGMI एक घंटे के लिए स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स पे, ब्राइटनेस एंड वॉल्यूम 50% पे रहेगा। गाइस, Realme 10 Pro Plus में स्टैंड बाय मोड पे 17-18% बैटरी ड्रॉप हो जाना 7-8 घंटों में नॉर्मल नहीं है, बट इसका रीजन क्या एग्जैक्टली मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि मुझे कोई भी ऐसा एप्स नहीं दिखा जो बैकग्राउंड में इतना ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहा है। वाईफाई यूज कर रहा हूँ बट 5G सिम लगा हुआ है तीनों स्मार्टफोन में और प्रेफर्ड नेटवर्क जो है वो 5G मैंने सेट किया हुआ है, शायद ये रीजन हो सकता है, बट Redmi में ऐसा कोई इशू नहीं दिख रहा। वैसे स्टैंड बाय मोड वाला इशू अगर छोड़ दूं तो Realme 10 Pro Plus का बैटरी परफॉर्मेंस
डिसेंट है। रेडमी K50i की अगर बात करो तो आप 90fps पे भी इसमें BGMI खेल सकते हो और सबसे तगड़ा गेमिंग परफॉर्मेंस आपको इसी फोन में मिलेगा और बैटरी ड्रॉप भी कम होता है गेमिंग के टाइम पे। एक घंटा BGMI का कंप्लीट टोटल हो गया 5 घंटे रेडमी नोट 12 प्रो 5G 14% बैटरी ड्रॉप हुआ, रियलमी 10 प्रो प्लस में 16 एंड रेडमी K50i में 12%। नाउ यूट्यूब तीनों स्मार्टफोन में हम 4K वीडियोस एंजॉय कर सकते हैं, बट अभी 1080p से ही काम चलाना पड़ेगा 2 घंटों के लिए। ओके, तो 7 घंटे कंप्लीट हो चुका, 2 घंटों में रेडमी नोट 12 प्रो 5G में 14% बैटरी ड्रॉप हुआ, रियलमी 10 प्रो प्लस में 12 और रेडमी K50i में भी 12% बैटरी ड्रॉप हुआ। अब गाइस हम टास्क रिपीट कर लेते हैं, 1 घंटे के लिए फिर से BGMI खेल लेते हैं स्मूथ एक्सट्रीम सेटिंग्स पे। बैटरी फटाफट खत्म करना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी चार्जिंग टेस्ट भी करना है। तो 7 घंटे 13 मिनट 30 सेकंड्स में रियलमी 10 प्रो प्लस 10 इनका जो 6% था ना 13 मिनट 30 सेकंड चला BGMI। तो गाइस 1 घंटा 1-2 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, टोटल 8 घंटे रेडमी नोट 12 प्रो 5G 15% बैटरी ड्रॉप हुआ है और रेडमी K50i 17 पे दिख रहा है 13% बैटरी ड्रॉप हुआ। अब फिर से वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p 60fps 30 मिनट के लिए। 30 मिनट कंप्लीट टोटल हो गए 8.5 घंटे एंड दोनों स्मार्टफोन 4% में दिख रहा है एंड इस 30 मिनट में दोनों स्मार्टफोन का बैटरी ड्रॉप थोड़ा ज्यादा हो गया है, रेडमी नोट 12 प्रो 5G में 11% और रेडमी K50i में 13%, यानी एंड में आते आते बैटरी थोड़ा ज्यादा ड्रॉप हो रहा है। अब गाइस हम फिर से रिपीट करेंगे इंस्टाग्राम। ओके, तो 8 घंटे 44 मिनट में रेडमी K50i डेड एंड का 4% 13 मिनट चला इंस्टाग्राम एंड फाइनली रेडमी नोट 12 प्रो 5G भी 8 घंटे 48 मिनट में डेड एंड का 4% 17 मिनट चला इंस्टाग्राम। अब करेंगे हम चार्जिंग टेस्ट, लेकिन थोड़ी देर के बाद तीनों स्मार्टफोन थोड़ा ठंडा होने देते हैं। लगभग आधे घंटे के बाद दोनों रेडमी का बॉडी टेम्परेचर 26 डिग्री के आसपास दिख रहा है और रियलमी 10 प्रो प्लस थोड़ा ज्यादा ठंडा हो गया, 23 डिग्री दिखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चार्जिंग। जैसे ही आप चार्जिंग स्टार्ट करोगे ना Realme 10 Pro Plus फटाक से बूट हो जाता है और बूट होने के साथ ही आपको सुपर वूक का लोगो दिख जाएगा और फटाफट चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। बट दोनों Redmi थोड़ा टाइम लेता है, 2-3 मिनट तक तो आपको दिखता ही नहीं कि कितना परसेंट चार्ज हुआ है। एंड अगर आप ऑन करना चाहोगे तो आप ऑन भी नहीं कर पाओगे जब तक 1-2% चार्ज नहीं हो जाता। अगर आप Redmi K50i या Note 12 Pro 5G यूज कर रहे हो ना तो बैटरी को बिल्कुल जीरो होने मत देना, उससे पहले ही चार्ज में लगा देना। तीनों स्मार्टफोन को मैंने ऑन कर दिया, सारे ऐप्स को बैकग्राउंड से हटा दिया, तीनों स्मार्टफोन में वाईफाई एंड मोबाइल डेटा को डिसेबल कर दिया। 6 मिनट एंड कुछ सेकंड्स के बाद आप देख सकते हो Redmi Note 12 Pro 5G 9%, Redmi K50i 7% और Realme 10 Pro Plus 23% चार्ज हो गया। ये लो 10 मिनट के बाद Redmi Note 12 Pro 5G 21% चार्ज हुआ, Realme 10 Pro Plus 33% चार्ज हो गया और Redmi K50i 18%। 15 मिनट के बाद Redmi Note 12 Pro 5G 36 पे दिख रहा है, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है, Realme 10 Pro Plus 23 डिग्री के आसपास था 36 पे दिख रहा है, 13 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है और Redmi K50i सबसे ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा है, 33 डिग्री के आसपास दिख रहा है, 26 पे था यानी 7 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है। ये लो 18 मिनट 30 सेकंड्स के बाद 50% चार्ज हो गया, Realme 10 Pro Plus Redmi Note 12 Pro 5G 42% चार्ज हुआ है, नॉट बैड एंड Redmi K50i 36 थोड़ा स्लो है। ओके, तो 23 मिनट में Note 12 Pro 5G भी 50% चार्ज हो गया। गाइस 25 मिनट कुछ सेकंड्स में Redmi K50i भी 50% चार्ज हो चुका, वैसे अभी 26 मिनट 45 सेकंड्स के बाद 51% पे दिख रहा है। 30 मिनट के चार्जिंग के बाद तीनों स्मार्टफोन का बॉडी टेम्परेचर सेम ही दिख रहा है जितना 15 मिनट के आसपास दिखा था, यानी फोन इससे ज्यादा गर्म नहीं होने वाला है। एंड 30 मिनट में Note 12 Pro 5G 66% चार्ज हो चुका, Realme 10 Pro Plus 75% चार्ज हो गया एंड Redmi K50i 58%। Realme 10 Pro Plus ने 80% चार्ज कंप्लीट करने में 33 मिनट लिया और इतनी देर में Redmi Note 12 Pro 5G 70% चार्ज हो गया एंड K50i 63%। 38 मिनट 30 सेकंड्स के बाद Realme 10 Pro Plus 90% चार्ज हो गया, 79 पे दिख रहा है Redmi Note 12 Pro 5G और 71 पे Redmi K50i और 42 मिनट में 95% चार्ज कंप्लीट कर लिया Realme 10 Pro Plus, Redmi Note 12 Pro 5G 86% चार्ज हुआ है और Redmi K50i 76%। 44 मिनट 40 सेकंड्स में 80% चार्ज हो गया Redmi K50i।
45 मिनट हो चुका, Redmi Note 12 Pro 5G 90% चार्ज हो गया, अच्छी बात है। Realme Redmi Pro Plus 98% और Redmi K50i 81 पे दिख रहा है। एंड 46.5 मिनट में 100% चार्ज हो गया Realme 10 Pro Plus। फोन का बॉडी टेम्परेचर मैक्सिमम दिखा था 36 डिग्री के आसपास एंड चार्जर का जो टेम्परेचर है ना ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, 45 डिग्री दिखा मैक्सिमम। गाइस लगभग 50 मिनट में यानी 49 मिनट 45 सेकंड्स में 95% चार्ज हो गया Redmi Note 12 Pro 5G एंड 51 मिनट 10 सेकंड्स में 90% Redmi K50i। ओके तो 99 पे आ गया Redmi Note 12 Pro 5G, 57 मिनट में 95% चार्ज हो गया Redmi K50i, 58 मिनट में 100% फुल चार्ज हो गया Redmi Note 12 Pro 5G। फोन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास दिखा था एंड जो चार्जर का टेम्परेचर है फोन से कम दिख रहा है 34 डिग्री मोर ऑर लेस। एंड गाइस एक घंटे में Redmi K50i 96% चार्ज हुआ, एक घंटा 5 मिनट 99% चार्ज हो गया Redmi K50i। फाइनली एक घंटा 7 मिनट 30 सेकंड्स में फुल चार्ज हो गया Redmi K50i। फोन का बॉडी टेम्परेचर 34 डिग्री के आसपास दिखा था एंड चार्जर का टेम्परेचर भी मोर ऑर लेस सेम दिख रहा है 34 डिग्री। लास्ट चार्जिंग टेस्ट से Redmi K50i ने आज 3-4 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लिया। 50% चार्ज Redmi Note 12 Pro 5G ने 23 मिनट में कंप्लीट किया था, Realme 10 Pro Plus ने 18 मिनट 30 सेकंड्स में और Redmi K50i ने 25 मिनट में। एंड 90% चार्ज कंप्लीट किया था Redmi Note 12 Pro 5G ने 45 मिनट में, Realme 10 Pro Plus ने 38-39 मिनट में और 51 मिनट में Redmi K50i। गाइस ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो किसी भी एंगल से आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और ऐसे कंटेंट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।